माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? गुड़गावा से। गुड़गावा, दिल्ली गुड़गावा से आए थे? शिमसा माता के मंदिर में आए थे? हाँ जी मैम। कब आए थे? 4 साल पहले। 4 साल पहले आए थे आप? फिर मंदिर में सोए थे? नहीं, आपके घर प्रहलाद पुजारी जी के घर पे सोए थे। अच्छा, मंदिर में क्यों नहीं सोए थे? उस टाइम पे प्रथा नहीं थी मतलब। अच्छा, उस टाइम मतलब बंद रखा हुआ था मंदिर में सोने का, कोरोना काल के टाइम। कोरोना काल के टाइम आए हुए थे आप और मंदिर में सोने का बंद था? यस। फिर प्रहलाद पुजारी जी के घर में सोए आप? हाँ जी। अच्छा, फिर उस दौरान कैसे सुलाया प्रहलाद पुजारी जी ने आपको? फर्श पे सुलाया था, नीचे। अच्छा, जैसे मंदिर में सोते हैं वैसे ही सुलाया? फिर आपको सपना हुआ? कौन आया सपने में? हमारी चाची सास आई थी केला लेके। केला लेके? कितने केले दिए? दो केले दिए। फिर पंडित जी ने आपको क्या नियम बताया करने का? खाने का नियम बताया। अच्छा, तब तक बच्चा ने उसने केले को हाथ भी नहीं लगाना और खाना भी नहीं। 4 साल बाद आए हैं देखो शिमसा माता के मंदिर में। 2021 में कोरोना काल में आए हुए थे और उस टाइम मंदिर में सोने का नियम था नहीं था, मतलब उस टाइम तो माता के कपाट भी बंद थे, पर ये आए हुए थे यहाँ मंदिर में, तो उस टाइम ये मंदिर में नहीं सोए, प्रहलाद पुजारी जी के घर में सोए ये। और इनकी चाची सास जी आई, उन्होंने इनको 2 केले दिए और आज ये केला लेके आए हुए हैं और इनके घर में ये देखो बेटी हुई है। देखो ये देखो इनकी बेटी कितनी सुंदर है, दिल्ली गुड़गावा से। आगे के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिनके बच्चे नहीं हो एक बार जरूर आए और माता रानी सबको आशीर्वाद देगी। मतलब ये है जिनके भी घर में संतान नहीं है वो शिमसा माता के दरबार में जरूर आए, पर ऐसा नहीं है 1 साल 2 साल जो निफल दिया होता है उसका नियम तो करना पड़ता है, पर कई श्रद्धालु होते हैं जो दंपतियाँ आती हैं वो बोलती हैं पंडित जी हमें तो 6 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो टाइम भी लगता है कई बार यहाँ पे, तो उसका नियम करना पड़ता है। नी संतान के घर संतान देने वाली शिमसा माता की जय। ये प्रहलाद पुजारी जी बोलो शारदा माता की जय। शिमसा माता की जय। नी संतान के संतान देने वाली माता की जय। आप कहाँ से आए हो? पहले भी आए थे जी। फिर क्या हुआ दूसरी बार जो आए? मिसकैरेज हो गया। अच्छा, पहले आए थे फल दिया था, मिसकैरेज हो गया तो दोबारा आए। आप कहाँ से आए हो? नगरोटा भगवान से आए। आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, पंजाब से। कौन सी जगह से? फतेहपुर से आए हुए। ये देखो श्रद्धालु कितनी दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ जो रह रहे हैं आप, तो आपको कैसा कोई चार्ज ले रहे हैं आपसे? हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं इनसे, और ये सभी बेचारे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, ऐसा है रश बहुत है, तो थोड़ा तो कोऑपरेट आपको भी करना ही पड़ेगा। निसंतान के घर संतान देने वाली शिमसा माता की जय। जय माता दी। जाओ। ये देखो श्रद्धा, आप कहाँ से आए हो? पंजाब। ये भी पंजाब से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? महाकाल, हिमाचल प्रदेश महाकाल से आए हुए हैं। ये बहुत दूर दूर से देखो श्रद्धालु आए हुए हैं। ये प्रहलाद जी का घर है, जहाँ ये लेडीज सोई थी वो ये वाला रूम है, यहाँ सोए थे कोरोना काल में। इनको यही माता रानी ने 2 केले दिए थे इसी कमरे में। ये तो जो साथ में आए हुए हैं वो है, इनके साथ जो सोने वाली हैं वो सब मंदिर में सोए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? बनारस से आए हो? पहले भी आए हो? नहीं, पहली बार आए हो। आप कहाँ से आए? पटना से। आप? नूरपुर से, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा नूरपुर से आए। नी संतान के घर संतान देने वाली शिमसा माता की जय।